हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स के हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली चार्ट्स को पढ़ते हैं, सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो चार्ट्स हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है और अब जो हम चार्ट के कंस्ट्रक्शन टूल्स यूज़ करते हैं वो कैसे रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इवॉल्व कैसे हुआ है, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, ये चीज़ CMT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चार्टिंग की हिस्ट्री को, टिकर टेप क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हमें ऐसा कौन सा डेटा चाहिए चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स को देखेंगे, फिर हम टाइप ऑफ स्केल्स को देखेंगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये अरिथमेटिक और लॉगरिथम जो स्केल्स होते हैं इसका मतलब ना पता हो। फिर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे और बेसिकली हिस्ट्री का एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी CMT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट्स की कि भाई चार्ट्स होते कैसे हैं। तो चार्ट्स दोस्तों इस टाइप के होते हैं, ये बेसिकली सेल्स का डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे हमारे प्राइजेस लगे हुए हैं और हॉरिजॉन्टली जो है वो हमारा टाइम लगा हुआ है और बीच में यहाँ पे प्राइजेस हैं। तो बेसिकली चार्ट सिंपली ऐसे प्लॉट किए जा सकते हैं। अब दोस्तों चार्ट होते क्या है इसको समझते हैं हम। चार्ट्स आर बेसिकली ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा। अभी हमने यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे सेल्स का फिगर है, राइट। तो 2009 में कितनी सेल्स थी वो ये पॉइंट दिखा रहा है, 2010 की जो सेल्स है वो ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, 2011 की जो सेल्स थी वो ये वाला ब्लू पॉइंट दिखा रहा है आपको। सो बेसिकली जो सेल्स का डेटा है या कोई भी डेटा है हमारा नॉर्मली उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने का काम करते हैं हमारे ये चार्ट्स। सो बेसिकली चार्ट्स जो है वो एक ट्रेडिशनल टूल है टेक्निकल एनालिसिस का और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली चार्ट्स पे ही बेस्ड है। जो भी आप एनालिस्ट देखेंगे जो कि टेक्निकली स्टॉक्स को एनालाइज करना जानते हैं वो सभी लोग चार्ट्स को यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी चार्टिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो बिना चार्ट्स के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हो दोस्तों। और प्राइस के साथ साथ टाइम को भी प्लॉट किया जाता है चार्ट में और यही कॉर्नर स्टोर है टेक्निकल एनालिसिस का। और बहुत सारी कंट्रीज में टेक्निकल एनालिस्ट को चार्टिस्ट भी बोला जाता है। अगर आप चार्ट्स पढ़ना जानते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट या चार्टिस्ट बोला जाएगा दोस्तों। और ये बहुत ही सही चीज़ कही गई है कि अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड। एक पिक्चर हमें पूरी कहानी बता देती है और हमें हजार शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो पिक्चर है वो सब कुछ बयां कर देती है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि भाई सेल्स जो है वो ऊपर जा रही है, राइट। सो यहाँ पे आप ये चीज देख के समझ जाएंगे कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कंपनी ग्रो हो रही है। सो ये सारी चीजें आप समझ जाते हैं बाय लुकिंग एट जस्ट अ वेरी सिंपल पिक्चर। अब हम बात करते हैं कि भाई हम चार्ट्स को यूज क्यों करते हैं। सो जो चार्ट्स हैं हमारे वो बहुत ही कंसाइज प्राइस हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। और चार्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिकली हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इस चीज़ को मैं आपको अभी चार्ट्स के ऊपर बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिटकॉइन का जो ग्राफ है वो यहाँ पे लगा लिया है और बिटकॉइन के चार्ट्स पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो पिछले कुछ समय से कैसा रहा है। सो अगर ये जो वन डे का चार्टिंग है, अगर मैं इस पे यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई जो 64,000 डॉलर का जो लेवल है यहाँ पे बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस फेस किया है, राइट। सो इस टाइप से आप कंसाइज हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि भाई जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से बिटकॉइन ने अपना क्या हाई बनाया और फिर क्या लो बनाया 2021 में, आप ये भी पता कर सकते हैं। बिटकॉइन ने 2021 में 29,000 डॉलर के आसपास का एक लो बनाया था। सो ये सारा जो डेटा है आप सिंपली चार्ट्स को पढ़ के समझ सकते हैं और जो चार्ट्स हैं वो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना बिटकॉइन को, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ पे चार्ट को, तो आप देख सकते हैं कि भाई ट्रेंड जो है वो साइडवेज है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में है, राइट। सो इस टाइप से आप थोड़ा सा अपना ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। और जो ट्रेंड है वो टाइम टू टाइम डिफर होता रहता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जूम आउट किया तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल का ट्रेंड बेसिकली साइडवेज है, एक रेंज बाउंड मार्केट में है हम लोग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूँ और सिर्फ 1 साल का डेटा देखूँ, तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई जो बिटकॉइन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज चार्ट्स। और यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है चार्ट्स पढ़ने से। और दोस्तों ये एक मनी मैनेजमेंट टूल की तरह भी काम करता है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे बिटकॉइन को ख़रीदना है,
सो बेसिकली अगर मुझे बिटकॉइन को खरीदना होगा तो मैं करंट मार्केट प्राइस पे खरीदूंगा, और ये जो एक सपोर्ट लेवल है मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। इसके नीचे अगर गया ये, इस येलो लाइन के नीचे अगर ये गया तो मैं अपना बिटकॉइन सेल कर दूंगा, राइट। सो इस टाइप से आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इसमें काम कर सकते हैं। ये बिटकॉइन के अलावा अगर आप किसी और चीज़ में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपना एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप एक अपना प्री डिफाइंड टारगेट रख सकते हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना जानते हैं तो। सो बेसिकली जो चार्ट्स रीडिंग है ये हमें हेल्प करती है अपने मनी मैनेजमेंट को करने में और हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन करने में। सो इसलिए हम लोग चार्ट्स को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्री रिक्विजिट है प्रॉफिटेबल टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए। सो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चार्ट्स को यूज़ करते हैं। मैं अभी यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग चार्ट्स को क्यों रीड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, भले ही ये चीज़ एग्जाम में ना आए फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ट्स क्यों पढ़ते हैं तो आप ये रीज़न उन्हें बता सकते हैं। अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि भाई चार्ट्स की हिस्ट्री क्या रही है। तो दोस्तों जापानीज जो लोग हैं उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है चार्ट्स को यूज़ करने में, और वो लोग चार्ट्स को यूज़ करते आ रहे हैं अराउंड 1800s के टाइम पे। और दोस्तों यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जो कैंडल स्टिक चार्टिंग है उसको किसने डेवलप किया। मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, लेकिन दोस्तों आपको मुझे नाम बताना है उस आदमी का जिसने कैंडल स्टिक चार्टिंग को इन्वेंट किया। आप मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जो लोग मुझे उसका सही आंसर बताएंगे उनको मैं एक शाउट आउट दूंगा दोस्तों। सो जापानीज लोगों का बेस्ट रिकॉर्ड रहा है चार्ट्स को यूज़ करने में। और दोस्तों जब कमोडिटीज़ के एक्सचेंजेस हुए 1561 में वेस्टर्न यूरोप में, और जब जापान में ऐसे एक्सचेंजेस खुले कमोडिटी के 1654 में, सो बेसिकली जब ये एक्सचेंजेस खुले तो एक नेसेसरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ चार्ट्स को बनाने का, राइट। तो जो जापान है वहाँ पे राइस का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो राइस का कंजम्पशन है ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, तो राइस की ट्रेडिंग काफ़ी हुआ करती थी जापान में। और दोस्तों जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई जापान में तो जो राइस ट्रेडर्स थे ना वो लोग सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि उस वक्त इतने टूल्स नहीं थे। आज तो हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे बेसिकली सारे इंस्ट्रूमेंट्स का चार्ट देख सकते हैं बहुत ही इजीली, लेकिन उस टाइम पे जो चार्ट प्लॉटिंग है वो बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क था, हर कोई नहीं कर पाता था, तो इसीलिए वो लोग सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग ट्रेडिंग में आने लगे, चार्ट्स को पढ़ना सीखने लगे, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो उसके बाद लोगों ने ओपन हाई लो ये सारे जो डेटा पॉइंट्स होते हैं इनको भी पढ़ना शुरू कर दिया, और इनको भी चार्ट्स में अपने प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और इस टाइप से जो कैंडल स्टिक चार्टिंग है उसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। और दोस्तों जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है वो चार्ट्स में लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया, जब ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगी, जब ट्रेडिंग थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई, और जब पब्लिक डोमेन में जब हमें डेटा मिलने लगा तो जो चार्ट्स में वॉल्यूम है ना उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगा। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो। सो दोस्तों ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री चार्टिंग के बारे में, और बेसिकली जो जैपनीज लोग हैं उन्होंने चार्टिंग में बहुत बड़ा रोल निभाया है, और जो कैंडल स्टिक के फाउंडर हैं उन्होंने चार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने जो कैंडल स्टिक चार्ट्स बनाई है वो आज भी यूज होती है हमारी दुनिया में। अब कैंडल स्टिक चार्ट किसने इन्वेंट करी है उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, जो लोग बताएंगे उनको मैं एक शाउट आउट दूंगा बढ़िया सा। और अब हम बात करते हैं कि भाई क्या डेटा चाहिए हमें एक चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। तो दोस्तों बेसिकली अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है चार्ट को तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, मतलब आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, आपके पास रॉन्ग डेटा नहीं होना चाहिए, एकदम राइट डेटा होना चाहिए, जैसी जैसी ट्रेडिंग हुई है वैसा डेटा आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और बेसिकली एक चार्टिस्ट को चाहिए ओपन हाई लो और क्लोज, ये चार टाइप के डेटा पॉइंट्स चाहिए ताकि वो अपने चार्ट पे इसको प्लॉट कर सके और अपनी ट्रेडिंग कर सके। और दोस्तों जितनी भी टाइप की चार्टिंग आप देखेंगे उनमें सभी में ये ओपन हाई लो और क्लोज यही चार डेटा पॉइंट लगते हैं, और कोई भी डेटा पॉइंट नहीं चाहिए दोस्तों। और जब भी कोई प्राइस एरर आता है ना डे के हाई और लो को रिकॉर्ड करने में, सो बेसिकली वो चीज़ ऑसिलेटर्स के जो कैलकुलेशंस हैं उनको बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ऑसिलेटर्स में हाई और लो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑसिलेटर्स को नहीं जानते होंगे कि भाई ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली दोस्तों RSI, स्टॉक एस्टिक, ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये ऑसिलेटर्स होते हैं,
और इनका काम होता है बेसिकली मार्केट्स के हाई और लो को प्रिडिक्ट करना। और ये लोग हाई और लो डेटा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं मार्केट के हाई लो को प्रिडिक्ट करने के लिए। हम इन ऑसिलेटर्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे दोस्तों, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बस बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जो पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि भाई आपके पास रिलायबल डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चार्टिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंक्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि होते हैं फ्यूचर्स में। सो अब हम सभी को पता है कि भाई फ्यूचर्स क्या होते हैं। अगर आप फ्यूचर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भाई इंटरनेट पे पढ़ें। फ्यूचर्स बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक्सपायर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तो तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर, परपेचुअल फ्यूचर और कंटिन्यूस फ्यूचर। अब बेसिकली दोस्तों अगर फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें ट्रेडिंग होगी, राइट। सो जो परपेचुअल फ्यूचर है और नियरेस्ट फ्यूचर है उसमें भी ट्रेडिंग होगी, कंटिन्यूस फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होगी। तो ये जो तीन अलग अलग टाइप के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें ट्रेडिंग कैसे करी जाए और कब कौन सा चार्ट पढ़ा जाए, किस सिचुएशन में कौन सा चार्ट पढ़ा जाए, ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों के बीच का डिफरेंस नहीं जानते हैं तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि नियरेस्ट फ्यूचर और परपेचुअल फ्यूचर, कंटिन्यूस फ्यूचर क्या होता है। अब दोस्तों नियरेस्ट फ्यूचर जो है वो ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सपायर होने वाला हो। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए हम लोग चलते हैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट की, राइट, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें सो यहाँ पे तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अभी आप देख सकते हैं ये निफ्टी 25 नवंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा नियर मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद 30 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो कि थोड़ा सा फार है, और इसके बाद एक 27 जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा फार है, राइट। सो ये वाला जो 25 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा नियर है और सबसे पहले ये एक्सपायर होगा। जब 25 नवंबर वाला एक्सपायर होगा तो जो 30 नवंबर वाला है वो नियरेस्ट बन जाएगा, राइट, और जो 27 जनवरी वाला है वो थोड़ा सा खिसक जाएगा और आगे, और इस टाइप से साइकिल चलती जाएगी। जब 25 नवंबर वाला एक्सपायर होगा तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। सो इस टाइप से जो इंडियन मार्केट है ना वहाँ पे साइकिल चलती है, और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना उनकी एक एक्सपायरी होती ही है। सो बेसिकली जो नियरेस्ट फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके चार्ट्स आपको तब पढ़ने चाहिए जब भाई आप इंट्राडे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको कांस्टेंट फॉरवर्ड भी बोला जाता है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना दोस्तों वो एक कांस्टेंट फॉरवर्ड प्राइस पे ही ट्रेड होता रहता है। अब ये क्या होते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो मेथड है ना वो बहुत ज़्यादा केसेस में यूज़ नहीं होती। मतलब ऐसे बहुत सारे मार्केट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है ना वो गायब है। मतलब परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं होता दोस्तों, और इसलिए इसको ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता यूज़ करना। अब ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो उसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और अभी मैं रिसेंटली जस्ट 5 मिनट पहले बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे पढ़ रहा था, और यहाँ पे मैंने अपनी वॉचलिस्ट खोल ली। अगर आप राइट हैंड साइड पर ध्यान से देखेंगे सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए बिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट देखना है सो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपली BNB टाइप करूँगा, BNB USD, राइट। सो यहाँ पे ये सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे आपको परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। जैसे ये जो आप देख सकते हैं BNB USDT वाला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लिखा हुआ है BNB USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरे कर्सर की तरफ देखिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। मतलब ये हमेशा ट्रेड होता रहेगा, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। अगर आप नॉर्मली फ्यूचर्स को लेंगे तो नॉर्मली जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है ना वो परपेचुअल है। मतलब ये कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाले हैं दोस्तों। सो इसी को हम बोलते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कभी भी एक्सपायर ना हो, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मैं जब क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा जगह मिलेगा नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट की, और ये जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है ना इसमें चार्ट्स को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो फ्यूचर्स होते हैं ना उसमें एक नियर मंथ एक्सपायरी होती है, एक थोड़ा सा फार मंथ एक्सपायरी होती है। तो ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे इन दोनों के प्राइस को जोड़ दिया जाता है और एक कंटिन्यूस प्राइस को बनाने की कोशिश करी जाती है, कंटिन्यूस प्राइस को प्लॉट किया जाता है। और ये मेथड को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिसंबर में एक्सपायर होगा, तो भाई जब वो कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में एक्सपायर होगा ना, तो उसके बाद जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस जो है वो ऐड कर दिया जाएगा चार्ट्स में, और वो प्राइस आपको दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा, ताकि आप चार्ट्स को एनालाइज करके उसमें ट्रेडिंग कर पाए। राइट, अभी हो सकता है ये कंटिन्यूस परपेचुअल और ये जो नियरेस्ट फ्यूचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में ना आया हो, तो मैं अगर आपको नहीं आया है तो भाई आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा और इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर्स वाला कंसेप्ट है ना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई परपेचुअल फ्यूचर क्या होता है या कंटिन्यूस फ्यूचर क्या होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। नहीं आया है समझ में तो भाई आप इंटरनेट पर इसको अच्छे से सर्च करिए, पढ़िए इसके बारे में बढ़िया तरीके से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, और नहीं आया हो समझ में तो भाई आप दोबारा इस वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये टिकर टेप क्या होता है। सो बेसिकली टिकर टेप में एक टिक नाम की चीज़ है जो कि लिखी हुई है यहाँ पे। सो टिक एक ऐसा चेंज होता है अप एंड डाउन जो कि स्टॉक के प्राइस में होता है। आपने देखा होगा कि भाई जब भी रिलायंस का या कोई भी ऐसा निफ्टी 50 का स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है, तो वो 5 पैसे से ऊपर बढ़ता होगा या 5 पैसे से नीचे गिरता होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो 2200 रुपये से 2200 रुपये 1 पैसे पे चला जाए। अगर स्टॉक ऊपर बढ़ेगा तो 2200 रुपये से वो 2200 रुपये 5 पैसे ऊपर बढ़ेगा, तो और 5 पैसे ही नीचे गिरेगा। तो बेसिकली जो 5 पैसा है ना, वो टिक प्राइस है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जो US का स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ये टिक साइज कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली टिक है ना वो एक चेंज है अप और डाउन जो कि स्टॉक के प्राइस में होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई टिकर टेप क्या होता है। तो टिकर टेप बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है स्टॉक के ट्रांजेक्शन की। अब ये भाई टिकर टेप कैसा दिखता था वो मैं आपको बता देता हूँ। टिकर टेप भाई कुछ इस टाइप का दिखता था। एक मशीन होती थी जिसमें हमें सारे हिस्टोरिकल प्राइजेस दिख जाते थे, और ये जो आप स्लिप देख रहे हैं ना, इस स्लिप पे सारे प्राइजेस छप के आते थे कि ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, और ये सारा इन्फो आपको देखने को मिल जाता था। अब ये जो टिकर टेप है ये बहुत ही पहले ही यूज़ हुआ करता था। तो हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं तो टिकर टेप की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पहले लोग ट्रेडिंग किया करते थे तो ये टिकर टेप को ही पढ़ के ट्रेडिंग किया करते थे। सो ये था टिकर टेप। अब हम बात करते हैं कि भाई मॉडर्न डे में कैसे प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो पहले की कहानी थी कि भाई पहले कैसे रिकॉर्ड करते थे प्राइस को। अब अगर मैं बात करूँ मॉडर्न डे टेक्निक्स की, तो मॉडर्न डे में लोग कुछ इस टाइप से प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ये जो प्राइस है ये टेबलो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है। राइट, अब ये जो टेबलो फॉर्मेट का प्राइस था इसको इस टाइप से कैंडलस्टिक में लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, और ये सब हो पाया कंप्यूटर की मदद से। अब कंप्यूटर आ गए हैं तो जो चार्ट की प्लॉटिंग है वो बहुत ही ईजी हो गई है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन चार्ट्स को पढ़ने में। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में। सो बेसिकली चार टाइप के ऐसे चार्ट्स हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप जापानीज हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने चार्ट्स को इन्वेंट किया, जिसमें से कैंडलस्टिक एक था। कैंडलस्टिक के अलावा रेनको, पॉइंट एंड फिगर, ये सारे जो चार्ट्स हैं इसको भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन चार्ट्स हैं ना मैंने यहाँ पे सिर्फ उनको ही लिस्ट करके रखा है। जो दूसरे चार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइन चार्ट के बारे में। तो लाइन चार्ट्स दोस्तों ऐसे चार्ट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को दिखाया जाता है। अब लाइन चार्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे लाइन चार्ट्स का यूज़ करना है तो मैं बेसिकली यहाँ पे गया चार्टिंग सेक्शन में, और यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी जो कि ऊपर नीचे जा रही है। राइट, सो ये जो ब्लू लाइन ऊपर नीचे जा रही है ये बेसिकली क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे क्योंकि मैं वन डे डेटा का यूज़ कर रहा हूँ, तो एक दिन में जो डे का एंड होगा उस वक्त क्या क्लोजिंग प्राइस चल रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और वो प्लॉट हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट, जहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं बार चार्ट्स के बारे में। आपने बार चार्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो बार चार्ट्स है ना ये इन्वेंट किए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का टूल है,
और अगर हम बात करें कैंडल स्टिक की, तो कैंडल स्टिक बेसिकली एक जापानीज टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब अगर हम बार चार्ट की बात करें दोस्तों, तो बार चार्ट्स में बेसिकली तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, हाई, लो और क्लोज, और ये हर टाइम इंटरवल में हुआ करती थी। अब ये बार चार्ट्स क्या होती हैं, इसको मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ क्या होती हैं बार चार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस टाइप की दिखती है बार चार्ट्स। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये डंडी बनी हुई है ना, हॉरिजॉन्टल जो डंडी बनी हुई है ये है आपका ओपन प्राइस, और ये राइट हैंड साइड पे जो डंडी बनी हुई है ये है आपका क्लोज प्राइस, और ये जो ये वर्टिकल डंडी बनी हुई है ये आपको बता रही है हाई और लो का प्राइस, राइट। सो इस टाइप से बार चार्ट्स दिखते हैं, और बार चार्ट्स का यूज़ आपने ज़्यादा नहीं किया होगा। एक चीज़ बस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि भाई पहले बार चार्ट्स में सिर्फ तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, हाई, लो और क्लोज। जो ओपन वाला पॉइंट था वो नहीं हुआ करता था, ओपन वाले पॉइंट को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम वापस से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और ये बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो बार चार्ट को मैंने जैसे ही प्लॉट किया, ये प्लॉट होके आ गए हमारे। सो बार चार्ट भी थोड़े बहुत आपको सिमिलर लग रहे होंगे कैंडल स्टिक के, और अगर हम कैंडल स्टिक और बार चार्ट में देखें दोस्तों, सो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा कि भाई जो कैंडल स्टिक है ना ये बहुत ही कलरफुल है, राइट, लेकिन जो हमारे बार चार्ट्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है कैंडल स्टिक और बार चार्ट में, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है कि कैंडल स्टिक और बार चार्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इसका एक सोल्यूशन वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा कि बार चार्ट और कैंडल स्टिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है, लेकिन ये चीज़ आपको पढ़नी है और बताना है कि कैंडल्स और बार्स में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से एक डिफरेंस बता दिया मेजर, कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोग कैंडल स्टिक को यूज़ करते हैं और बार चार्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है चार्ट्स का, जिसको जापान में फाउंड किया गया था और इसको मिड 1600s में यूज़ किया जाता था राइस के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें चार पीस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये कैसा दिखता है आप सभी को पता है, इसमें ओपन, क्लोज, हाई और लो चार टाइप के प्राइस होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं ओपन, जो राइट हैंड साइड में ये निकला होता है प्राइस इसको हम बोलते हैं क्लोज, राइट। अब ये जो अंदर का ये पार्ट होता है ना, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी, और इसके नीचे आपको एक वर्टिकल डंडी निकली हुई दिख रही होगी, राइट, इसको हम बोलते हैं शैडो, और इसको विक भी बोला जाता है, इसको हम शैडो बोलते हैं बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में। शैडो और विक आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और ये जो विक निकली हुई होती है या शैडो निकली हुई होती है इसका भी इम्पोर्टेंस होता है, और ये जो बॉडी होती है इसका तो इम्पोर्टेंस होता ही है दोस्तों। और अगर कैंडल ग्रीन कलर की है इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर गया है, कैंडल रेड कलर की है तो मतलब मार्केट नीचे गया है। सो ये बेसिकली कैंडल स्टिक तो आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। अब दोस्तों अगर हम कैंडल स्टिक के फीचर्स की बात करें, तो जो बॉक्स होता है वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बता देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये जो डब्बा है इसको हम बॉक्स भी बोलते हैं। अब कैंडल स्टिक चार्ट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आप सबको पता होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के बारे में बहुत ही बेसिक्स बताऊंगा। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है CMT के चैप्टर्स में, और CMT एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि भाई पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग क्या होती है। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग और बाकी चार्टिंग्स में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज को देखा जाता है, टाइम एक इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर। ये मैंने क्या बोल दिया इसको मैं समझाता हूँ। अब अगर हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, यहाँ पे आपका लगा हुआ है प्राइस, और ये जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे हमारा टाइम लगा हुआ है, राइट। सो हर दिन एक नया कैंडल बनता है, हम सभी को ये बात पता है। जब भी मार्केट खुलेगा तो टाइम वाइज क्या प्राइस रहा, टाइम वाइज मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड होगी। लेकिन जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर को,
तो पॉइंट एंड फिगर में टाइम नाम की जो चीज़ है ना वो हो जाती है एलिमिनेट। यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा नीचे, लेकिन अगर आपको ये पता लगाना हो कि मार्केट परसों कितना ऊपर गया या परसों कितना नीचे गया, तो वो चीज़ आप इसमें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये डे वाइज प्राइस की रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये कुछ इस टाइप से प्राइस की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। और ये चीज़ आपको बहुत वियर्ड दिख रही होगी अभी, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग है, इसका जो काम करने का तरीका है, वो कुछ इसी टाइप का है। और इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। सो बेसिकली दोस्तों, आपको जैसा मैंने बताया कि भाई इसमें टाइम नाम का जो फैक्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो ओरिजिन है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का, वो अननोन है, किसी को भी नहीं पता कि भाई ये किसने बनाई, और इसको रेयरली पब्लिश किया जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग है ना, ये बहुत कमाल की है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है प्राइस को रिकॉर्ड करने की। अब ये कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर जाते हैं तो एक्स एक्स बना दिया जाता है, और जब भी प्राइस नीचे जाते हैं तो ये जीरो जीरो बना दिए जाते हैं। सो बेसिकली इसी टाइप से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा एक्स बना देंगे, जब भी प्राइस नीचे जाएगा जीरो बना देंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई ये पॉइंट एंड फिगर का मतलब क्या हुआ। पॉइंट मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन क्या है प्राइस की वो हमें बताता है पॉइंट, और फिगर का मतलब होता है आपकी एबिलिटी ये फिगर आउट करने की कि भाई अगर मैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इस चीज़ को फिगर आउट करने की कला को हम बोलते हैं फिगर। तो पॉइंट हो गया लोकेशन और फिगर हो गया हमारी एबिलिटी टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने की, राइट। सो यहाँ पे इस टाइप से हम प्लॉटिंग करते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि भाई बॉक्स साइज क्या होता है। बॉक्स साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एंड फिगर में। अगर आपको बॉक्स साइज के बारे में पता है पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग को पढ़ना। अब ये बॉक्स साइज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर बेसिकली दोस्तों स्टॉक 10 रुपये पे है, राइट, सो अगला बॉक्स पे टिक होने के लिए जो स्टॉक है ना उसको 10 रुपये ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके ये एक्स बनेगा। और अगर 20 रुपये से 30 रुपये पे जब स्टॉक जाएगा ना, तभी जाके ये अगला एक्स बनेगा, राइट। अगर स्टॉक 20 रुपये से 25 रुपये तक ही पहुंचता है, फिर वापस 20 पे आ जाता है, तो एक जो एक्स है ना वो टिक नहीं होगा। सो यहाँ पे बॉक्स साइज का मतलब ये हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये टिक मार्क बनेगा। अब 30 से जब 40 पे जाएगा तो एक टिक बनेगा, 40 से 50 पे जाएगा तो एक टिक बनेगा। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल बना दिया है, और इस केस पे वो पर्टिकुलर लेवल 10 पॉइंट का है। जब जब प्राइस 10 पॉइंट से ऊपर जाएगा आप एक टिक बना देंगे, 10 पॉइंट से नीचे जाएगा तो आप यह जीरो बना देंगे। जैसे ही 10 पॉइंट ऊपर गया आपने एक्स बनाया, जैसे ही 10 पॉइंट नीचे गया आपने जीरो बनाया, राइट। सो XO 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 इस टाइप से हम रिकॉर्डिंग करते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में। और रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, इसको आप इस एग्जांपल में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चार्ट के स्केल के बारे में। अब ये चार्ट स्केल क्या होता है इसको मैं अभी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सो बेसिकली दो टाइप के स्केल होते हैं, अरिथमेटिक स्केल और लॉगरिथम स्केल, जिसको हम लॉग स्केल या सेमी लॉग स्केल भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं स्केल, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखें। अब अगर हम बात करें अरिथमेटिक स्केल की, तो अरिथमेटिक स्केल कैसे प्राइस को रिकॉर्ड करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली दोस्तों इसको हमें थोड़ा सा एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्टॉक जो है वो $100 का है, राइट। स्टॉक ए जो है वो $100 का है, और अगर ये $100 से $101 पे गया तो यहाँ पे $1 का चेंज आया, राइट। अब $1 का चेंज आया या 1% का चेंज आया, राइट। और यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें स्टॉक बी को, जो कि $1000 का है, और ये $1000 से $1001 का हो गया, तो यहाँ पे भी $1 का चेंज आया, लेकिन परसेंटेज वाइज ये 1% का चेंज नहीं होगा, परसेंटेज वाइज ये 0.01% का चेंज होगा। और जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जहाँ स्टॉक 100 से 101 पे गया, तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है ना वो 1% है, भले ही प्राइस वाइज दोनों स्टॉक $1 बढ़े, लेकिन ये अगर आपने ये ₹100 में खरीदा होगा ना या $100 में खरीदा होगा और ये $101 पे गया, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड एग्जाम्पल। इस चीज़ को हम समझते हैं चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे टॉगल ऑटो स्केल करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि जो प्राइस वाइज है ना ये चार्ट हमारे एकदम से प्लॉट हो गए। अब एकदम यूनिफॉर्म डिफरेंस है प्राइस के ऊपर,
और अगर मैं यहाँ पे ऑटो को हटा के लॉक स्केल पे क्लिक करूँगा तो ये जो प्राइस है ना उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कैसे परसेंटेज वाइज एडजस्ट हो गए। अभी अगर मैं इस परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे परसेंटेज वाइज प्राइजेस दिखने लगेंगे कि भाई परसेंटेज वाइज जो है प्राइजेस वो कितने ऊपर गए कितने नीचे गए, और जो लॉक चार्ट्स हैं वो परसेंटेज वाइज प्लॉट करते हैं प्राइस डेटा को, और जो ऑटो चार्ट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं प्राइस वाइज इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स को यूज़ करते हैं या आप लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं जो कि एक साल से लंबा डेटा है, आप जब भी एक साल से ज़्यादा लंबे डेटा को देखना चाहते हैं सो आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए लॉक चार्ट्स को, राइट। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं सो आपको लॉक चार्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए ऑटो चार्ट्स को, क्योंकि ऑटो चार्ट्स एकदम यूनिफॉर्म डिफरेंस बताएंगे आपको प्राइस का, और जो लॉगरिथम चार्ट्स हैं वो आपको परसेंटेज वाइज डिफरेंस बताएंगे। सो यही डिफरेंस है अरिथमेटिक और लॉगरिथम स्केल का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो कब अरिथमेटिक कब लॉगरिथम यूज़ करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर इंट्राडे या ऐसे मूवमेंट को आपको पढ़ना है जो कि एक साल के कम का हो तो भाई अरिथमेटिक चार्ट को यूज़ करो, और लॉगरिथम चार्ट को आपको तब यूज़ करना चाहिए जब भाई आप लॉन्ग टर्म प्राइस डेटा को पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक साल से लंबे समय के प्राइस डेटा को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लॉक चार्ट को आप यूज़ करो, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा कुछ बता दिया है इस वीडियो में चार्ट्स के हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब आपका होमवर्क ये है कि भाई आपको मुझे बताना है कि कैंडलस्टिक चार्टिंग को किसने इन्वेंट किया और लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको मुझे बतानी है, ये आपका होमवर्क है। और आपको कमेंट करना है आंसर को इस वीडियो के नीचे, और जो भी सही आंसर देगा उसको मैं एक शाउट आउट दूंगा अपनी वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया इन दोनों सवालों के जवाब क्या हैं, एक सोल्यूशन वीडियो बनाऊंगा इसका अलग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें नीचे, कुछ फीडबैक दें। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इस कोर्स को किसी तरीके से सुधार सकता हूँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें। कोई सवाल है आपका तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वो मेल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट करके भी आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।